इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले आज 74वें आजादी के दिन पर सभी को मुबारकबाद। अंजुमन इस्लाम, जैसे आप देखते आ रहे हैं, कोविड की बीमारी का जब से स्टार्ट हुआ है, पूरी टीम काफ़ी आगे बढ़ के काम कर रही है। साथ ही साथ दवाइयाँ, मेडिकल फैसिलिटीज़, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इसका भी इंतज़ाम कर किया गया है। आज इस आज़ादी दिन के मौके पर हमने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और सभी टीम ने मिलकर यही डिसाइड किया कि हम और काफ़ी सिलेंडर्स मंगवा के जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है पेशेंट्स को, जहाँ हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन खलास हो रहा है, वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है सिलेंडर्स की, हम वहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ काफ़ी डॉक्टर्स भी जुड़ चुके हैं, जो एक काबिलियत तारीफ ऑनररी सर्विस कर रहे हैं हमारे साथ में। ऑनलाइन डॉक्टर्स पेशेंट्स के घर वालों के साथ और पेशेंट्स के साथ में उनकी तबीयत जान रही है और उन्हें जो दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। नर्सिस को अपॉइंट किया गया है अंजुमन इस्लाम की तरफ से और डॉक्टर्स के एडवाइस और कंसल्टेंसी के ले के साथ में हम हर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यही मकसद है कि बेलगाम और उसके आसपास जो एरिया हैं, सभी एरिया सभी तंदुरुस्त रहे, सेफ रहे और जो भी मुश्किलात आ रही है वो मुश्किलात हमारे से दूर हो जाए, हम कोरोना की बीमारी के साथ कोविड-19 के साथ लड़ सके। और दुआ यही करते हैं कि ये बीमारी जल्द से जल्द हमारे बीच से चले जाए और उसका कोई वैक्सीनेशन, कोई दवाई आए। जब तक ये नहीं होता है, अंजुमन इस्लाम हर एक मरीज, हर एक पेशेंट, हर एक घर के साथ में है और हमें हमेशा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से पिछले बार हमने 120 सिलेंडर्स मंगवाए थे, लोगों को जो तकलीफ हो रही थी और सिलेंडर्स की वजह से, आज और हम 50 सिलेंडर मंगवाए हैं और साहब की सदारत में इंशाल्लाह ये काम चलता रहेगा। और आप सब बेलगाम वासियों को 15 अगस्त की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कौन तो पूरे बेलगाम ज़िले से भी आ रहे हैं, खानापुर, कुर्ची, निपानी से भी आ रहा है। कुर्ची के लोग आसपास के साथ टच में है और गोकाक भी जो लोग हैं वो चुकुड़ी के हो, अशफाक भाई उसे हैंडल कर रहे हैं। अशफाक भाई करवेश जो चुकुड़ी के नज़दीक है वहाँ भी ये काम चालू है अंजुमन से। कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ये करें, उनके साथ उनका भी साथ दें, वो लोग भी जुड़ रहे हैं। अगर डॉक्टर्स का ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन तो मिल रहा है, साथ में एक मेडिकल टीम है हमारी, अमीन है, कादर भाई है हमारे, गफूर भाई है, मैं हूँ, और ये सब मिलकर उनका सीटी स्कैन हो रहा है, उनका जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं हम पूछ कर हम उनको डॉक्टर्स को वो पूरे रिपोर्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर घर में इलाज हो सकता है तो हम घर में इलाज कर रहे हैं, अगर उनको हॉस्पिटल एडमिट करना है तो हॉस्पिटल भेज रहे हैं, अगर किसकी ताकत है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहता है तो हम उन लोगों को बोल रहे हैं कि ये उतना खर्चा है, आप जाके वहाँ इलाज कर लें। अभी उनकी मर्ज़ी है कि वो उधर जाके इलाज कर लें, प्राइवेट में कर लें, सिविल में कर लें। जो गरीब है, जो जो नहीं कर सकता उसको, हम इंशाल्लाह उस गरीब को भी हम इनिशियल जो मेडिसिन है वो अंजुमन से प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। आज यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है
कि अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम आसिफ राजू शेर साहब की सदारत में जो टीम वर्क आज शहर बेलगाम में काम कर रही है, पूरे कर्नाटक का अगर जायज़ा लिया जाए तो अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम एक ऐसा इदारा है जो तमाम लोगों की बग़ैर मजहब व मिल्लत तमाम लोगों की जो है खिदमत यहाँ पर अंजाम दी जा रही है। कोई ये नहीं कि फला मजहब का और फला मजहब का, हर एक आ रहा है और अपने खिदमत को यहाँ पर अंजुमन अंजाम दे रही है। और आज काबिले मुबारकबाद है अंजुमन के इसकी सदारत में जो है आज ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है घर घर में 120 पहला लाया गया था और 50 सिलेंडर्स मंगवाए गए हैं और वो भी काफ़ी बड़े हैं इसके पहले के मुकाबले में, और इससे काफ़ी जो है घरों में मरीजों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इंशाअल्लाह जो है अंजुमन इस्लाम का मुबारकबाद के मुस्तहक है और हम दुआ करते हैं कि अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी इसी तरह कौम और मिल्लत की खिदमत करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहला मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद हमारे राजू सेठ साहब जो अंजुमन के सदारत में उनके साथ हमारा काम चला है, उनकी हिम्मत से जो है अल्लाह करम से ये बहुत बड़ा एक काम चला है। और शमीला माड़ी वाले हैं हमारे हमारे अशफाक भाई हैं, अमीन भाई हैं, और इनके सबके सपोर्ट से जो है क्वाइट का काम है यहाँ अल्लाह करम से चला है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, टोल हॉस्पिटल में पेशेंट क्या हो रहा है कि आ रहा है लेकिन पूरा ख़राब हो के आ रहा है, बैड हो के आ रहा है पेशेंट, और घर पे इलाज कर ले रहा है। उसके बाद में आने के बाद में उन लोगों को क्या हो रहा है, वो धाप लग रही है, ये लग रही है करके तकलीफ़ का बहुत बड़ा सामना करना, फिर हमको जाना पड़ रहा है उधर जाके। हम बोल रहे हैं कि सुबह जल्दी आने के बाद में उनको ट्रीटमेंट होता है बोलते। तो हमारे डायरेक्टर साहब का भी मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, दिलीप दांडी सर, एमएस सर, उनको हम लोग रात दिन हम लोग उनके साथ बात करते हैं, बेड नहीं है तो उनको बेड दे, अगर उनको फ़ोन करते तो उनको हमको बेड भी दे रहे हैं क्या। और हमारे विनुवीरम हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट किए थे 8 पेशेंट, तो एक हमारा जो है वो डेथ हुआ है और 7 पेशेंट जो है अल्लाह के करम से वो देर इलाज होकर आप घर पे आके जो है आराम कर रहे हैं पेशेंट। और हमारे वहाँ पे लेकी हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट 3 थे, 3 में के 2 पेशेंट आराम हुए हैं और 1 पेशेंट देर इलाज है। फिर केली हॉस्पिटल में भी जो है हमारे अल्लाह करम वहाँ पर भी जो पेशेंट 3 है, 3 में का जो है वो 1 डेथ हुआ है, 2 पेशेंट का अच्छे होकर जो है वो घर पर आए हैं पेशेंट। इस तरह से जो है ना हमारा काम को हम अंजाम दे रहे हैं और हमारे को जितने भी हमारे जो स्टाफ है शोल हॉस्पिटल के सब लोग हमको अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे अंजुमन के जो टीम है जो सिलेंडर से सप्लाई कर रही है उसके साथ इंशाल्लाह हमारे आलिक राज जो एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है बेलगाम के अंदर जो 22 साल से हम काम कर रहे हैं, इसके अंदर मैं जो मेडिकल इंचार्ज हूँ, अल्लाह करम से हम दोनों मिल के इस बेलगाम शहर के अंदर जो है ना सप्लाई कर रहे हैं। और हमारे अली करा के भी जो है 130 सिलेंडर जो अल्लाह के करम से हमें जो है सप्लाई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने इस काम का इस खिदमत करने के लिए हम सबको कबूल किया है। सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और ये काम जो शुरू हुआ है ये अल्लाह के फजल करम से लोगों की बहुत बड़ी मदद हो रही है। जो लोग आज इस वबा की वजह से परेशान हैं, उस वबा के अंदर हॉस्पिटलों का जब सहारा नहीं था तब अंजुमन इस्लाम की तरफ से एक कदम उठाया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर देकर घरों के अंदर इलाज शुरू करेंगे। जो इलाज हॉस्पिटलों में हो रहा है वो इलाज को हम ये कोशिश कर रहे हैं कि घरों के अंदर वो इलाज लोगों को मिल सके। दूसरी चीज़ है कि किसी को अगर सिम्टम्स आता है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन की तरफ से और शमिल्ला भाई राजू सर साहब के सदारत के अंदर हम 3-4 सिटी स्कैन सेंटरों से बात कर चुके हैं कि हमको उसके अंदर 40% डिस्काउंट है कि किसी को भी अगर थोड़ा भी नॉर्मल सिम्टम्स आता है तो अंजुमन आए, लेटर ले, HRCT करा लें। किसी को ब्लड टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड टेस्ट के अंदर भी हम लोग डिस्काउंट के लिए बात कर रखे हैं लोगों को। इससे फ़ायदा ये होगा कि किसी को भी कोई चीज़ का सिम्टम्स आता है, तकलीफ होती है, HRCT ये बीमारी की जड़ को पहचानता है कोविड की। इससे गवर्नमेंट को कोई ये नहीं होगा लेकिन अपने आप को ये तसल्ली होगी कि मेरी अंदर क्या बीमारी उसके ऊपर इलाज शुरू होगा। और ये जो ऑक्सीजन हमारे भाई जो लेकर जा रहे हैं बस इस बात का ख्याल करें कि आज हमारे बेलगाम के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। अगर किसी को ज़रूरत है तो सिलेंडर लेकर जाएं, स्टॉक में, स्पेयर में ज़रूरत के तौर पर लगेगा। इस एतबार से घरों में इसको स्टॉक ना करें, रखें ना, ये सोचें कि मेरे से ज़्यादा मेरे भाई को ज़रूरत है, किसी और को ज़रूरत है। हाँ, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी 24 घंटे इंशाल्लाह अंजुमन आपको खिदमत के लिए और ऑक्सीजन देने के लिए तैयार है।